नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की, जो आपके जीवन में सारे दुख, चिंता और निराशा हो के अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देगा। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि ऐसे धरती का हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। मित्र, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी कर लेने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीव जीवन मिलना भाग की बात है, मृत होना समय की बात है, मगर मृत के बाद भी लोगों को दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, ताकि हम सतर्क हो सकें, बार बार अपने जीवन में जान सकें कि कहीं हम भी तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले दो पोर्टल दी और कहा कि एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हरामी भरकर वहाँ से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसे उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता, आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपने कमियां नज़र आती। वह एक एक करके अपनी कमियां सुधारा गया और उसकी तरक्की होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नज़र तक नहीं डाली। एक बार वह तालाब किनारे नहाने के लिए रुका, उसने दोनों पोटलियाँ तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब गड़बड़ा गया, यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नज़र आने लगीं। यह ठीक नहीं हो, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम से पड़ोसी के बेकार और सरकार बेकार है, जहां देखो वहां कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वह बात याद थी कि नज़र सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा, वह पतन की तरफ बढ़ने लगा, नकारात्मक ने उसे घेर लिया। इंसान उसे बुरा लगने लगा, उसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नज़र खुद की कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था
और जैसे ही तूने दूसरे की कमियां देखनी शुरू कर दी वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्त यही हकीकत है, जब जब अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तब तक हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे, हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। नजर आध्यात्मिक की नज़र से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा